अभी अगर मौसम का हालचाल देखते हैं तो एक लो प्रेशर सिस्टम आपका अरेबियन सी में वो आज भी परसिस्ट कर रही है। धीरे धीरे वो इंडियन कोस्ट से हट रही है तो और वीकेंड भी हो रही है तो लेस मार्क हो जाना चाहिए विद इन नेक्स्ट 12 आवर्स। मगर जो मेन सिस्टम है वो अभी बे ऑफ बंगाल में है। ये सिस्टम अभी आपका कल तक डिप्रेशन बनने की संभावना है, परसों तक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है। सिस्टम धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड्स ओडिशा वेस्ट बंगाल कोस्ट की तरफ मूव कर रही है और इसके चलते भारी वर्षा का चेतावनी हमने जारी किए हैं पहले आज और कल और परसों के लिए, आज और कल के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड में, और परसों से यानी 23 तारीख से भारी वर्षा का चेतावनी है कोस्टल आंध्र प्रदेश और कोस्टल उड़ीसा में और जीडब्ल्यूबी में। उसके बाद 24 और 25 तारीख को एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना है बंगाल गैंजेटिक वेस्ट बंगाल और कोस्टल उड़ीसा में इस सिस्टम के इफेक्ट से, और साथ ही साथ 25-26 तारीख को हमारे उम्मीद है कि भारी वर्षा 24-25-26 को भारी वर्षा का चेतावनी है असम मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम में। देखिए अभी जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया है ये सभी राज्यों में अभी मॉइस्चर बहुत कम है, एक रिज बनी हुई है जिसके चलते काम विंड्स है, मौसम साफ है और इसके चलते आपका डायर्नल वेरिएशन जो टेम्परेचर का हो रही है वो काफी ज्यादा रहेगी। खास बदलाव नहीं आएगी टेम्परेचर में, ड्राई रहेगी मौसम, तो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर जैसे दिल्ली का बात करें तो 33 के आसपास 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगी, 33-34 ऐसा ही रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर आपका 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगी। विंड स्पीड अभी देख रहे हैं और क्या आगे कम हो सकती है? अभी विंड स्पीड जैसे काम विंड्स है लेस देन 5 नॉट्स ऐसा ही विंड्स रहेगी, कोई खास वेदर सिस्टम दिल्ली और आसपास के इलाके में नहीं आ रहे जिसके लिए हमें संभावना नहीं लग रहा है कि विंड्स स्ट्रेंथन होगा।